जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। जो एकदम न्यूली बिगनर्स है, जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है ड्राइंग करना, स्केचिंग करना, और इससे पहले अभी आपने अभी तक कोई स्केच ड्रॉ नहीं किया है, तो उन लोगों के लिए वीडियो है। इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों के लिए नाक ड्रॉ करके दिखाऊंगा, नोज ड्रॉ करके। तो बहुत आसान सिंपल तरीके से आप भी देख लोगे, तो आप भी मेरे ख्याल से शायद आप भी आसानी से ड्रॉ कर पाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। यहाँ पे जो स्टार्टिंग में हमारे पास तो ज़्यादा पेंसिल नहीं होता है, जब हम न्यूली अभी स्टार्ट करने वाले हैं तो हमारे पास जो है HB पेंसिल ही रहता है। जो आपके पास नॉर्मल जो पेंसिल है वो भी HB ही है, और मैं भी यहाँ HB पेंसिल ही यूज़ करके जो नाक को ड्रॉ करके कंप्लीट करूँगा। तो देखते रहिए। तो सबसे पहले इसे हमें नाक को ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, एक रेखा बना लेना है इस तरह से सीधे, 2-3 इंच का, 2 इंच का लगभग, इतने इंच का मैं बना लेता हूँ। और उसके बाद इस तरफ से आपको बना देना है एक नाक, एक रेखा छोटा सा। तो इस तरह से बनाने के बाद आपको क्या करना है, एक सर्कल बना लेना है, गोल राउंड से एक बना लेना है इस तरह से, और इसको टच करा देना है। और इस तरह से आपको, और यहाँ पे मैं HB पेंसिल से ही पूरे जो है नोज को ड्रॉ करके कंप्लीट करूँगा। तो लास्ट तक बने रहना, बिगिनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, लास्ट तक देखते रहो। तो हमने ये बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इस तरह भी एक इससे दोगुना छोटा बॉल बना लेंगे, राउंड शेप, और इस तरह भी बना लेना है सेम साइज में। तो यहाँ मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ आप ही उसी तरह ही आप ही करते रहो, और ज़्यादा जल्दी नहीं है, रियल टाइम वीडियो ही है, तो आप लोग देख देख के स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ कर सकते हो। तो हमने जो बड़ा सर्कल मैंने बनाया था, बड़ा राउंड, तो उसके नीचे आपको इस तरह से फिर से दोबारा से एक छोटा सा लाइन बनाना है, और इन दोनों तरफ से जैसे मैं कर रहा हूँ इस हिसाब से आपको कर लेना है। उसके बाद इस तरफ से जो छोटा राउंड है उससे, और लेफ्ट राइट दोनों साइड से इस तरह से नीचे जो हमने लाइन बनाया था उससे जोड़ देना है इस तरह से। और अब एक बार में भी कर सकते हो, मैं दोबारा बार बार शेडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छे से जो है ग्रेफाइट जो हमने शेडिंग कर रहा हूँ वो अच्छे से चिप लग जाए। तो यहाँ पे ऊपर से आपको इस तरह से भी 2 लाइन बना लेना है, और ज़्यादा पहले लेयर पे आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई करना है, हल्के हल्के से आपको, बिल्कुल HB पेंसिल है तो बिल्कुल हल्के से ही आपको ड्रॉ करना है। और यहाँ पे जो नीचे के यहाँ पर जो हम छोटे छोटे जो राउंड बनाए हैं उसके आसपास के जो एरिया में जो है आपको थोड़ा सा डार्कली जो है थोड़ा ज़्यादा शेडिंग कर देना है, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके जो है शेडिंग करना है। तो यहाँ आपको शेडिंग कर दे जाना है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो जो आपने पहले हमने आउटलाइन रेखा ड्रॉ किया था उसे आपको फिर से इरेज कर देना है इरेजर से। तो जो जो इरेजर से जो जो आर लाइन आपने खींचा था उसको जो जो इरेज करना है उन सबको आपको देखना है, जिस जहाँ जहाँ जो जिस जिस लाइन को मैं इरेज कर रहा हूँ उस लाइन को इरेज करते जाइएगा। और ऐसा इरेजर आपके पास नहीं है तो आपके पास जो नॉर्मल इरेजर होगा, आप जो भी स्कूल में जो जहाँ भी आप यूज़ करते हो उस इरेजर से भी काम चल जाएगा। तो इसे ही ड्रॉ करो, और मैं ज़्यादा अलग अलग पेंसिल ड्रॉ नहीं करूँगा ताकि आप जो है कन्फ्यूज़ ना हो जाओ। तो इनसे जो हमने पहले स्टार्टिंग में ड्रॉ किया था उन सबको इरेज कर देना है, और जो यहाँ पे जो नाक के आसपास जो मैंने डार्कली शेडिंग किया है वो देख सकते हो। और यहाँ पे मैं HB पेंसिल से ही, जो आपके पास नॉर्मल पेंसिल है उस पेंसिल से ही जो हमने लाइन ड्रॉ किया है उसके ऊपर ही धीरे धीरे करके हल्के हल्के से शेडिंग कर देना है, बिल्कुल हल्के हल्के से, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं अप्लाई करना है। और जो जो आपने आउटलाइन ड्रॉ किया था इस तरह से एक ही डायरेक्शन में क्रॉस शेडिंग नहीं करना है, क्रॉस शेडिंग करने से अच्छा है जो हम ब्लेंडिंग करेंगे जिस समय, तो वो अच्छे से ब्लेंडिंग होने के बाद भी, ब्लेंडिंग करने के बाद भी जो है अच्छे से स्मूथ टेक्सचर नहीं बन पाएगा, जैसे कि आप जो है मोबाइल में देख सकते हो। वैसे तो मैं इस वीडियो में जो है मोबाइल में जैसे है वैसे नहीं दिखाऊंगा ड्रॉ करके, बस सिंपल से आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि जो बिगनर्स है, न्यू कमर्स है, वो आसानी से ड्रॉ कर सकें, जो इनका जो नाक के ऊपर जो भी प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाए। तो इसलिए मैंने जो है बिल्कुल HB पेंसिल से ही, और बीच में लास्ट में जो है हो सकता है मैं जो है 4B भी यूज़ करूँ। आप चाहें तो स्टार्टिंग में आपको इसी से ही ड्रॉ करना है, ज़रूरी नहीं आपको और डार्क पेंसिल लेना है, सिर्फ आप थोड़ा बहुत सीख जाओ तो उसके बाद जो है आपको आप और दूसरे जो भी पेंसिल्स हैं वो ले सकते हैं इस ड्रॉ करने के लिए। तो जहाँ जहाँ पर मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ आप देख सकते हो, आप बिल्कुल जिस तरह से मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे उस हिसाब से ही आपको करना है। और आप जिस डायरेक्शन में शेडिंग कर रहे हो
उस हिसाब से आपको सेटिंग करते जाना है। बीच में गैप्स नहीं देना है, गैप्स दे सकते हो पर जो धीरे धीरे करना है, ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा सेटिंग नहीं करना है, ज़्यादा जिस तरह से आपने स्टार्टिंग किया था सेटिंग करते समय उस हिसाब से ही आपको सेटिंग करते जाना है। और चाहे तो आप नाक को जो है और डार्क कर सकते हो, जहाँ जहाँ पर ज़्यादा डार्क करना हो उसके लिए आप और पेंसिल ले सकते हो आपके पास अगर है तो। वैसे जिनके पास नहीं है, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो अभी तक जिन्होंने अभी तक कलरिंग ग्रेफाइट पेंसिल से ये जो पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ ये सब पेंसिल अभी तक ख़रीदा ही नहीं है। जाहिर है कि जो बिगिनर्स है जिन्होंने अभी तक स्केच नहीं ड्रॉ किया है तो उन लोगों के पास तो सिर्फ नॉर्मल जो मार्केट में मिलता है, नटराज पेंसिल ले लो, जो भी पेंसिल है वही आपके पास है तो उसी से ही स्टार्टिंग करो। इस तरह से आपको धीरे धीरे करना है, जो मैंने लाइन खींचा था पहले उसके ऊपर धीरे धीरे से आपको सेटिंग करना है। उसके बाद क्या करूँगा अब मैं, ये जो कॉटन बाट है तो आपके पास कॉटन बाट नहीं है तो आपके पास अगर कॉटन है, कॉटन्स जो भी हिंदी में कपास कहते हैं, तो उससे भी आप इसे ब्लेंड कर सकते हो और फिंगर का भी यूज़ ले सकते हो। मैं तो मेरे पास जो है कॉटन बाट था तो कॉटन बाट से ही मैं कर रहा हूँ और ये आपको मार्केट में 20 रुपये से 30 रुपये के अंदर ही आपको मार्केट में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ले सकते हो और या फिर आप इससे भी डायरेक्ट उंगली से कर लो। तो इस तरह से भी आप जो है काफ़ी आसानी से जो है एक नॉर्मल जो नोस होता है उसको आप आसानी से ड्रॉ कर सकोगे। और जहाँ पर आपने सेडिंग किया था उस जगह पर सेडिंग कर देना है। अब मैं थोड़ा सा और डार्क करने के लिए कुछ कुछ जगह पर, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा डार्क करना हो तो वहाँ पे मैं थोड़ा दोबारा 4B पेंसिल से शेडिंग कर रहा हूँ। ये 4B पेंसिल है जिससे मैं अभी शेडिंग कर रहा हूँ, तो आपके पास नहीं है तो आप HB जो आपके पास जो पेंसिल है उसी पेंसिल से ही दोबारा जहाँ पर थोड़ा सा जो है ज़्यादा डार्क दिखे, डार्क मतलब जहाँ जहाँ पर आप रेफरेंस पर में देख सकते हैं उस सबसे आपको देखना है। थोड़ा सा आपके पास HB पेंसिल है तो उस HB पेंसिल से इस बार जो है थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करो। तो इसके बाद देखना है जहाँ जहाँ पर डार्क करना है उस हिसाब से आपको धीरे धीरे डार्क करना है, क्रॉस शेडिंग नहीं करना है। जल्दी जल्दी करोगे तो स्केच बिगड़ सकता है, जो आपने ड्रॉ किया वो ख़राब हो सकता है, इसलिए आपको धीरे धीरे करना है। और पेंसिल को जो है कितना प्रेशर, बिल्कुल हल्के से मीडियम प्रेशर होता है, डार्क हार्ड प्रेशर और सॉफ्ट प्रेशर, तो आपको बिल्कुल सॉफ्टली हल्के हल्के से शेडिंग करना है। और इसके बाद इसको भी कॉटन बार से आप चाहें तो ब्लेंड कर सकते हैं या फिर फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर जो भी अवेलेबल हो वो ही उसी से ही ब्लेंड कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप भी काफ़ी आसानी से नोज़ को आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आई होप आप लोगों के लिए यह वीडियो जो है हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल में बने रहना। तो आप सभी को जय सियाराम।